अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्क्रीन के ऊपर हम अपनी फिंगर से कैसे लिख सकते हैं। जैसे हम लास्ट वीडियो में देखा था कि राइट ऑन टेक्स्ट जो है इफेक्ट हमने अपनी वीडियो में यूज़ किया था, आज सेम उसी तरह लेकिन थोड़ा सा बस इसमें चेंज होगा। इसमें चेंज ये होगा कि आज की इस वीडियो में मैं जो है वो ये देखें, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अगर चला के दिखाऊं तो यहाँ पे यूं जो यूं लिखा जाएगा, ठीक है, ये इफेक्ट है। अभी कैसे बनाया है, जैसे लास्ट वीडियो में सेम बनाया था वैसे ही ये वाला। सबसे पहले वीडियो ट्रैक एक ले आया हूँ। वीडियो ट्रैक लाने के बाद मैंने क्या किया, उसके ऊपर मैंने जो है वो एक क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट वीडियो यहाँ पे ला के ओके कर दी, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वीडियो की पहले मैंने ड्यूरेशन जो है वो मुकम्मल यहाँ तक ले आया था मैं, जितनी हमारी ड्यूरेशन है, लेकिन बाद में मैंने क्या किया इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे जैसे मेरी जो है फिंगर यहाँ से उठने के बाद यहाँ दूसरे उसके ऊपर आई है, यहाँ से मैंने नया बना लिया, ठीक है, और यहाँ पे तीसरे के ऊपर आई है तो यहाँ से न्यू बना लिया। अब मैंने किया क्या है, कैसे है, सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट वीडियो ऊपर ला के इसके ऊपर आपने मुकम्मल इसको छोड़ देना, ठीक है। छोड़ने के बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर राइट ऑन इफेक्ट जो है यहाँ पे ये अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे राइट ऑन इफेक्ट आ जाएगा। मैंने इसका जो है वो कलर क्या ले लिया, ब्राउन ले लिया। अच्छा, अब करना आपने ये है कि आपने ब्रश का साइज अपनी मर्जी से आपने रख लेना है। अगर आप 40 रखना चाहते हैं 40 रख लें, और स्ट्रोक लेंथ 8 और ब्रश स्पेसिंग 0.001 आपने कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, इस लेयर को सेलेक्ट किया, यहाँ से राइट ऑन को सेलेक्ट किया। अब आप देखते हैं मैंने टिक जो है ना, मैं पहले आपको लेट्स सपोज इसको मैं डिलीट करके दिखा देता हूँ आपको सारा। मैंने इस लेयर को ला के यहाँ पे अप्लाई किया इसको मुकम्मल, इसकी ड्यूरेशन के बढ़ाने के बाद ये यहाँ पे कर दिया मैंने, ठीक है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे राइट ऑन आ गया, मैंने इसका कलर जो है वो ये ले लिया, और ब्रश का साइज जो है वो मैंने 40 किया जैसे ही, तो आप देख सकते हैं ब्रश यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको 8 वैल्यू जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, लास्ट वीडियो में सेम ऐसे ही ये हो जाएगा, ठीक है। उसमें बस हमने ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा रखा था, इसमें थोड़ा सा हमने बड़ा कर लिया। लास्ट वीडियो में टेक्स्ट के ऊपर हमने लिखा था सारा। अब यहाँ पे आपने फिंगर को फॉलो करना है, जहां जहां पे फिंगर जाएगी वहां वहां पे आपने नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये देख सकते हैं आप इसके ऊपर एक इंडिकेटर आ गया इसका। अब इसको आपने क्या करना है, ड्रैग करके फिंगर जहां पे स्टार्ट हो रही है यहाँ पे ले आना है। यहाँ पे आप जैसे लेकर आएंगे आपने क्या करना है, अब ये ब्रश पोजीशन है, इसको आपने इसकी एनिमेशन स्टार्ट कर देनी है। फ्रेम बाय फ्रेम आपने आगे चलते जाना है, देखना इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और फ्रेम बाय फ्रेम आपने इसको ड्रैग करके नीचे लाना है। फ्रेम आगे आगे करते रहना है आपने, जैसे ये जो एरो कीज होती हैं इससे आपने लेफ्ट की के ऊपर क्लिक करते जाना है, ये एक एक फ्रेम जो है वो आगे आगे जाता रहेगा। इसी तरह यहाँ पे आपने इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है, ठीक है। इसी तरह आपने जब मेरी फिंगर जो है वो यहाँ से उठने के बाद यहाँ पे आएगी तो यहाँ से आपने इसको कट कर लेना है, जैसे मैंने लास्ट में दिखाया था आपको। कट करने के बाद आपने जैसे ही तीसरे एच के साथ तीसरे या फिंगर इसके ऊपर से उठ जाएगी तो आपने इसके ऊपर भी क्या कर लेना, तीसरा एक कट लगा लेना, जैसे मैंने लास्ट उसमें किया हुआ है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा काफ़ी है। ये विंडो आपने ऐसे आराम से कर लेना, वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, इसलिए जो है वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। फिंगर को फॉलो करने के बाद आपने इसी तरह इसको जो है वो ड्रैग करते चले जाना है ऐसे यहाँ तक, ठीक है। ये ड्रैग हो जाएगा, ओके आ जाएगा। इससे यहाँ पे देखें की फ्रेम्स ऐड होते रहेंगे। यहाँ पे जब आएंगे इसको आपने कट करना है, यहाँ से कट किया। कट करने के बाद अब इस वीडियो के ऊपर आपने ये दोबारा से राइट ऑन इफेक्ट लगा देना, ठीक है। इसके ऊपर कट लगाने के बाद हमारे पास ये नीचे राइट ऑन इफेक्ट, एक तो ये वाला था पुराने वाला, इसको बंद कर लेना आपने, इसके ऊपर आ जाना, इसका ब्रश साइज आपने 40 कर लेना, और इसका कलर जो है वो सेम वो वाला रख लेना आपने। कैसे करना है ये, आपने इसके ऊपर आना राइट ऑन इफेक्ट के ऊपर,
यहाँ से कलर को सिलेक्ट करना है और इसका जो ये नंबर है ये आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने ला के इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये सेम कलर हो जाएगा, ताकि एक ही जैसा कलर रहे। अब यहाँ पे व्हाइट कलर है, इसने चेंज करेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इसका स्ट्रोक लेंथ और आपने ब्रश स्पेस चेंज कर लेनी है। सेम ऐसे ट्रैकिंग करने के बाद इसके भी की फ्रेम ऐड करने हैं, आपने फिंगर को फॉलो करना है, ठीक है। इसको यहाँ पे ला के आपने क्या करना है, इसको ये फिंगर के यहाँ पे स्टार्टिंग पे ले आना आपने और फॉलो कर लेना इसको, ठीक है। इसके बाद जैसे ही तीसरी जो है वो यहाँ से फिंगर उठने के बाद, लाइन लगने के बाद तीसरे के लिए यहाँ से उठेगा, तो इसी तरह यहाँ पे आपने कट लगा लेना। कट लगाने के बाद ये एक और वीडियो बन जाएगी, इसके ऊपर भी सेम आपने सारा कुछ अप्लाई कर लेना। अप्लाई करने के बाद आपने सिर्फ उनको ऐसे सेटिंग करनी है कि जैसे जो है वो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने पहले की हुई थी, ये देखें ऐसे आपने क्या कर लेना है, इसकी सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। जैसे ये कट लगाने के बाद इस वीडियो को ऊपर ले आए, इसकी ड्यूरेशन मुकम्मल कर दें। इसकी ड्यूरेशन मुकम्मल इसलिए की है ताकि ये भी लिखा हुआ रहे, अगर इसकी ड्यूरेशन आप इतनी रखेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी ड्यूरेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से करें। इसकी ड्यूरेशन लास्ट वाले की तीसरी लाइन की यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट करें, ठीक हो गया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।